पैर को जरा सर के करीब ले आकर हाथ और कमर जमीन पर लाकर पुनः पैर वापस, सर गर्दन बैक को जरा एडजस्ट कर कुछ समय विश्राम कर लेंगे। यह अभ्यास क्रम एक रिसर्च प्रोडक्ट है, अतः जितना आप देख रहे उतना करते हुए इसको ही रिपीट कर आप आत्यंतिक लाभ कमा सकते हैं। अब पवन मुक्तासन करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड कर लिया, पैर पेट की तरफ लेकर आने के उपरांत बंद हाथों से घुटने को प्रेस किया, एल्बो साइड में और धीरे धीरे सर को ऊपर उठा लिया। कुछ समय यहां ठहर जाएंगे। आसन या शारीरिक मानसिक अभ्यास में शरीर में बहुत समय अनावश्यक वायु तत्व जमा हो जाता, उसको हटाने की खातिर यह अभ्यास है महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे कर सर वापस, हाथ नीचे जमीन पर, दाहिने पैर का पलड़ा जमीन पर रखने के उपरांत दाहिने पैर को सीधा कर बाएं पैर को मोड़ लेंगे, पैर पेट की तरफ और फिर बंद हाथों से बाएं पैर को प्रेस करेंगे पेट की तरफ, एल्बो साइड में, सर ऊपर। कुछ समय ठहर जाएंगे। धीरे धीरे सर जमीन पर, हाथ नीचे, बाएं पैर का पलड़ा जमीन पर और फिर पैर को सीधा कर लेंगे। हम इतने अभ्यास के उपरांत अब जरा विश्राम कर लेंगे। विश्राम के पूर्ण होश में कि बंद आंखों से अपने शरीर को विश्राम करता हुआ आप देखें। दोनों पैर पेट सीने का भाग पीठ रीढ़ की हड्डी दाहिना बाया हाथ गर्दन का भाग और सिर का भाग सीना पेट पीठ रीढ़ की हड्डी दाहिना बायां पैर, जो जो नाम आप सुन रहे हैं वहां अपना ध्यान लेकर जाना है। उसके लिए उठकर बैठेंगे। सर
कपाल भाति 60 स्ट्रोक, सीधे बैठने के उपरांत श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचकर लेकर आना है। भस्त्रिका और उज्जयी के ऊपर कुछ समय लगाएंगे। भस्त्रिका बस 30 सेकंड के लिए ही यहाँ बताया गया है, उतना ही करेंगे। दोनों हाथ सीने के करीब, मुट्ठी लूज बंद, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, इस तरह करेंगे 20 सेकंड और। उज्जयी श्वास 9 क्रम के लिए, साइकिल पूरा करने के बाद जरा ठहरेंगे नाड़ी शोधन के पूर्व। नाड़ी शोधन और तदुपरांत भ्रामरी, इतना ही इस सोमेटो फॉर्म के दूसरे भाग का
आपके लिए एक लेसन प्लान बनता है। आप इसको ये रिपीट कर सकते दिन में 2 बार या 3 बार भी। ध्यान रहे भोजन के उपरांत 2-3 घंटे का गैप 2 पर्याप्त है, मगर समस्या यदि अधिक हो तो 3 भी कर सकते। नाड़ी शोधन, जो अभ्यास करने में आपको दिक्कत हो वह किस तरह करते उसके हेतु भी आप वीडियो देखकर समझकर अभ्यास कर सकते। इन 2 उंगलियों से आईब्रो सेंटर को प्रेस करेंगे। दाहिने नोस्टल को अंगूठे से बंद, एक बार सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर दाहिने नोस्टल को बंद कर बाएं से सांस अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से सांस बाहर, दाहिने से सांस अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से सांस बाहर, बाएं से सांस अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से सांस बाहर, दाहिने से सांस अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर, बाएं से सांस अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर। हाथ में यदि दर्द हो जाए तो कुछ समय हाथ नीचे कर सकते। 4 क्रम अभी भी नाड़ी शुद्धि में शेष है, उसको पूरा कर लेते। दाहिने को बंद कर बाएं से सांस अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से सांस बाहर, दाहिने से सांस अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से सांस बाहर, बाएं से सांस अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, दाहिने को बंद कर बाएं से बाहर। हाथ नीचे, कुछ समय विश्राम। आखिरी अभ्यास भ्रामरी का। इन 2 उंगलियों को आंखों पर रखेंगे, अंगूठे से कान बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर और छोटी उंगली के नीचे। श्वास अंदर लेने श्वास छोड़ते हुए अंदर ओम का आवाज को
गुंजाना है और ध्यान रहे कि अंतर दृष्टि भूमध्य या सर के ऊपरी भाग पर हो ताकि आवाज इस हिस्से में अधिक